यमुना के दो बैराज हैं, एक तो देहरादून में डाक पत्थर है और यमुना नगर में हथिनी कुंड है। हथिनी कुंड से जब पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी ने और रौद्र रूप ले लिया दिल्ली की सड़कों पर, जब बारिश ने और ज्यादा तांडव मचाया। अभिजीत के पास चलते हैं, वो हमें कुछ और बताना चाह रहे हैं। अभिजीत, जिस इलाके से हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ है। अभिजीत, ओवर टू यू। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जलजमाव की स्थिति तो हम आपको दिखा ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जलजमाव के बाद जब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे उसके बाद देखिए किस तरह की स्थिति, सामान अभी भी यहीं पर बिखरा पड़ा दिख रहा है। और जो इस मंदिर परिसर के महंत हैं वो भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। महंत जी, एक बार मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप आए हमारे पास, जब ये स्थिति हुई कितने देर के अंदर ये इतना जलजमाव हो गया था उसके बारे में बताएं। करीब आधे घंटे के अंदर ही इतना एक साथ जला गया, जिसमें कि हमें संभलने का भी अवसर नहीं मिला। तो थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए, उतनी देर में तो पार्क में पानी भरा और पार्क से मंदिर के अंदर पानी घुस गया। तो पानी घुसते घुसते इतना बढ़ गया कि हमारे गर्दन तक पानी आ गया। अभी भी मंदिर में करीब 8 फीट पानी भरा। पहले कभी इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली? मैं 2010 से हूँ, आज तक मैंने कभी बारिश में भी इतना पानी कभी नहीं देखा है। और जबकि वाटर लेवल यहाँ का ऊपर होता, कभी इतना पानी हमने जीवन में, क्योंकि जमुना रोड के उस पार है तो आज ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जमुना उस पार होने के बावजूद अगर इतना पानी आया है, और ये पानी भी साफ नहीं, ड्रेनेज का पानी है, इससे पता चलता है सिस्टम का कितना फेल्योर है, क्योंकि कोई साफ पानी नहीं है, ये नालों का पानी है। और ऐसे पवित्र स्थान में घुसना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के बड़ी चिंता की बात है अभिजीत, जिस बात की चिंता मंदिर के जो महंत हैं, पुजारी हैं, वो जता रहे। वाकई में देखिए, इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ लाल किले के पास, या देखिए यहाँ पर ये जो पानी है इसमें गंदा पानी भी मिला हुआ है। कई जगहों से तो खबरें ऐसी भी सामने आई कि बिजली के तार भी पानी में टूट करके गिर गए। अब आप सोचिए इसमें खतरा कितना ज्यादा बड़ा है, अगर कोई भी गलती से इस पानी में आता है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए जल्द से जल्द दिल्ली के शहरी इलाकों से पानी निकाला जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए हमारे संवाददाता क्योंकि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, दिल्ली का बुरा हाल हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता बता रहे हैं आपको, स्वामी नारायण मंदिर का बहुत बुरा हाल है, मंदिर डूब गया है यमुना के इस पानी में। वहां से हम दिखाते हैं आपको कुमार कुंदन की रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के स्वामी नारायण मंदिर के सामने खड़े हैं, सिविल लाइंस का ये इलाका है। और आप देखिए मंदिर की स्थिति ये है कि पूरा का पूरा मंदिर सबमर्ज्ड हो चुका है, और मंदिर के जितने पुजारी हैं और वो सारे के सारे नाव के माध्यम से मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है बदबू को लेकर, यहाँ पे पानी अब रुक गया है और रुकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बीमारी और तमाम तरह की चीज़ें हैं वो फैल रही है। मंदिर के अंदर जितने भी सामान थे वो सारे के सारे सामान ख़त्म हो गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं, जिसमें गाड़ियाँ और तमाम तरह की चीज़ें थी। जो पूरा का पूरा इलाका है, कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को यहाँ पे? मुश्किल तो बहुत है, पानी भी बहुत है, बहुत जा रहा है। अभी पूरा मंदिर का सामान एक मंजिला तक डूब गया है, डूब गया है। क्या क्या सामान खराब हुआ? सामान वैसे तो कुछ खराब हुआ नहीं, हमारा राशन वगैरह जो था वो तो हमने पहले से ऊपर रख दिया था, लेकिन मेन प्रश्न पानी का है। हमारा जो पानी की टंकी है वो पानी के अंदर डूब गई है। ठीक, गाड़ी वगैरह भी डूब गई है, अब वो तो सब डूब ही जाएगा ना। हाँ, पानी आ गया तो सब डूब जाएगा। तो हम चल के आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी वाड़ी कहाँ पे है, जहाँ पे गाड़ियाँ डूबी हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो गाड़ियाँ थी, नई गाड़ी वगैरह ली? बिल्कुल नई गाड़ी थी, एक महीना ही पुराना है अभी, तो इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड, वो भी अंदर चली गई है। और अब तो गटर का पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, वो ही बदबू मारेगा और ये बीमारी का जड़ है। तो निश्चित रूप से ये बीमारी के घर को किस तरीके से दूर किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है और उसके लिए सारे काम में लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, दरअसल कुमार, मौसम विभाग की तरफ से इस बात को लेकर सचेत किया गया था, क्योंकि ये पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, और देश के ज़्यादातर इलाके इसी तरह से भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात की चपेट में है। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ख़ास करके दिल्ली, देश की राजधानी, जहाँ पर तो विकराल संकट है, बाढ़ ही आ गई। और आमोद राय के पास चलते हैं, वो ITO से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमोद, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? इस परिस्थिति से निपटने के लिए NDRF की कई टीमें लगाई गईं, 20 टीमें तैनात की गईं ओवरनाइट, ताकि इस परिस्थिति से इस पानी को निकाला जा सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके।